मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसकी शादी करें और फारिग हो। अभी तो मैंने अपनी वकालत शुरू की है, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। हमारा खानदान वो खानदान है जो गर्मी को नरमी में बदल देता है और फिर गुलामी में। वालदेन का बस चले ना, तो कभी भी अपनी बेटियों को अपने से जुदा ना करें। रिश्ते तो सभी नाजुक होते हैं, उन्हें निभाने के लिए कोई कुर्बानी देता है और कोई कुर्बानी लेता है। हर बार जीत जाती हो तुम मुझसे। तुम्हें हारने की आदत हो गई। एक बात तो बताओ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी इस हारने वाली आदत को कौन पूरा करेगा? तो जीतना सीख। जरूरी तो नहीं कि सारी जिंदगी हारती रहोगी। अपनों से हार में भी खुशी मिलती है। ये बैंक से फिर नोटिस आ गया भाई। असलम, लास्ट टाइम तो हमने उन्हें मेल की थी कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, फिर भी नोटिस भेजी उन्होंने। हम तीन बार इससे पहले भी वक्त मांग चुके हैं भाई, और इस दफा जो वक्त मांगा था वो भी गुजर गया। अच्छा, एक तो यार ये कोरोना के बाद हमारा बिजनेस स्टेबल ही नहीं हो सका। अल्लाह मालिक है, तुम ये पेपर रख दो, मैं खुद देख लूंगा इसे, ठीक है? अच्छा एक काम करो, कल सुबह एक मेल और भेज दो, क्योंकि ठीक है। अच्छा वहीद, हाँ वो तुमने फरीशा बेटी के रिश्ते के लिए कहा था ना? हाँ हाँ बताओ। अकलौता लड़का, दो बहनें हैं, अगर कहो तो बात आगे चलाऊं?
खानदान कैसे? मिसाली है। अच्छा, क्या मतलब? इतना अच्छा है कि उन जैसी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अगर वाकई मिसाली है ना, तो फिर तुम एक काम करो ना, लड़के के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन कर लो। मैं भी फरीशा से बात कर लूंगा, अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर मुलाकात रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो मुझे बताना, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। थैंक यू। बहुत जल्दी है तुम्हें मरने की। ओए हेलो, आप कौन है? अच्छा, कानून तोड़ने की कोशिश और कानून से ही पूछ रहे हो कि कौन है वो? ओ देखो रिया फटाफट गया। यहाँ से आते हुए गाड़ी तुम्हें मार कर वहां फेंक जाती ना, तो सड़क पे मरे हुए पड़े होते और लोग तुम्हारा अफसोस कम और वीडियो ज्यादा बना रहे होते, और सोशल मीडिया पे तुम्हारी मरने की खबर सुन के ना, तुम्हारी लाश पहुंचने से पहले तुम्हारे माँ बाप आधा मर चुके होते। मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। अच्छा ये बात है, चलो ठीक, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ ही बनकर दिखाती हूँ। चलो बेटा अब जाके दिखाओ तुम, आए बड़े माँ ना बनो। हेलो अबू, मैं ना जरा ट्रैफिक में हूँ। हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। हेलो, बोलिया फलीहा। जी अब्बू। ये फरीशा कहाँ है? घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, ये तो मुझे भी पता है वो घर पर नहीं है, मगर वो गई कहाँ? जहाँ आपने उसे देखा। मैंने तो उसे चौराहे पे देखा है, मैं पूछ रहा हूँ वो गई कहाँ? बताया नहीं, कोई फोन आया था, बिना बताए निकल गई। फोन तो मैंने भी किया था उसको, मुझसे कह ली मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँगी। ये क्या उसने मेरे साथ? अबू ड्राइविंग के दौरान तो फोन नहीं सुनना चाहिए ना, और शुक्र करें उसने आपकी कॉल अटेंड करके इतनी बात कर ली आपसे। आज आने दो उसे जरा, फिर मैं बताता हूँ। अबू वैसे मुझे लगता है कि आपके लाड ने ना उसे ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया। अच्छा, लेकिन मैं तुझे लाड नहीं करता है? करते हैं लेकिन इतना नहीं करते, इतना नहीं करते। अच्छा सुनो, वो फलीशा है ना, तो खाना लगवा देना, भूख लगी है। ठीक है, उसे डांटेंगे नहीं। किस बात पे? दोनों ही बहुत उस्ताद हो गए, आने दो उसको आज। देखो फिर मैं बताता हूँ। दुनिया के पास लोगों को एक्सपोज करने के अलावा कुछ भी नहीं। सही कह रही हो तुम। तुम्हारी बहन के बारे में सुना था, बहुत अफसोस हुआ। बस अब अफसोस ही बाकी रह गया और कुछ भी नहीं। कोई बता रहा था कि उसने खुदकुशी की थी। क्यों? मोहब्बत करती थी किसी से। वही धोखा वही फरेब, अजियत के सिवा मोहब्बत में रखा ही क्या? इसलिए बेहतर है मोहब्बत से इंसान किनारा कशी रहे। मोहब्बत इतनी भी बुरी नहीं है। इतनी अच्छी चीज भी नहीं। हजारों केसेस आते हैं रोज अदालत में, कहीं पे लड़का बेवफा निकलता है और कहीं पे लड़की।
मोहब्बत को बेवफा नहीं कह, जो टिककर ही नहीं बैठ, कभी इस दर तो कभी उस दर। क्या हुआ? कुछ नहीं। सो वाओ, कितने लाइक्स आ गए हैं ना। क्या लोगी? अब जो तुम्हें पसंद हो। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो तुम्हारे पास खुद की पसंद भी नहीं रहेगी। रहेगी ना, तुम्हारी सूरत में। अच्छा ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बताओ क्या लोगे अब? ओके, मंगवाती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, चलो बेटा उठकर खाना खा रहे। दिल नहीं जा रहा मुझे। मरने को दिल जा रहा है? बच्चा पेट में रख के तो नहीं मर सकती ना। एक दफा इसे पैदा कर दूं और आपके सपोर्ट कर दूं ताकि आपकी बात भी पूरी हो जाए। अच्छा, एक और मुसीबत मेरे गले डालोगी? मैं मुसीबत हूँ आपके लिए। औलाद कभी भी माँ के लिए मुसीबत नहीं होती, बस उनकी जिद मुसीबत बनकर माँ को रुला देती है। काश काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बात ना मानी होती तो आज दर बदर की ठोकरी नहीं खा रही होती। होका था ना, मैं खा लिया। कोसने का क्या फायदा? कोसने ही नहीं, पछता रही कि अपनी अच्छी भली जायदाद मैंने उस कमीने के नाम लगा दी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो दोने वाले खा लो, कल मैं वकील से फोन पर बात करूंगी। क्या फायदा होगा उससे फोन पे बात करके? केस करूंगी उस पे, तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा के रहूंगी। पता है वो वकील बहुत अच्छी है। अच्छा चलो थोड़ा सा खाना खाए। हाथ से खिलाऊं? तौबा है अम्मी, आप तो बच्ची बन जाती हैं। खिलाएं मुझे। बेटे आज तुमने वहां क्या तमाशा लगा रखा था? खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अब्बू मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसकी शादी करें और फारिग हो। क्यों भाई? अब्बू अभी तो मैंने अपनी वकालत शुरू की, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बेटा शादी के बाद कंप्लीट कर लेना।
आपको शादी करनी है ना, तो इसकी करवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बहन घर में बैठी और छोटी की शादी हो जाए? लोग बातें करेंगे। लोगों का क्या, वो तो तब भी बात करेंगे जब कोई बात ना हो। और वैसे भी ये कौन सी किताब में लिखा कि बड़ी से पहले छोटी की शादी नहीं हो सकती, बताएं जरा मुझे। दलील मांग रही है वकील बनकर। देखो बेटा, ये वाकई किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये रस्म रिवाज है हमारे माशरे के, एक ना एक दिन शादी तो करनी होती है ना। वैसे भी मैंने तुम्हारी लेके ही बात चलाई है। क्या बेटा, खाना खाते वक्त मुंह ज्यादा नहीं खोलते। इसी मूड में पिक्चर हो जाए। ओ प्लीज। क्या यार, रहमत रिश्ता करने से पहले ना ये डिसाइड कर लेना कि देंगे क्या। यार, दो ही तो बेटियां हैं उसकी, और खुद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिन मांगे इतना मिलेगा कि हमारी मांग कम पड़ जाएगी। मैं भी नंद भराई मुंह मांगी लूंगी। हाँ, फिक्र ना करो मेरी बच्ची, जो मांगोगी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? अपनी चांद सी बेटी दे दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? किसको क्या दिया जा रहा है बेटा? देना नहीं है, लेना है। है? किससे? तुम्हारे ससुराल वालों से। अब्बा ने बहुत बड़ा घर देखा है तुम्हारे लिए, बस एक मेरी बारी ही रिश्तों की काल पड़ गई थी। बेटे के नाम को किस दाम पर देना है, ये तो कोई हमारे अब्बा से सीखे। कब जाना है? ओ बेटा, अभी तो पहली बार बात हुई है, फाइनल होने में कुछ दिन तो लगेंगे। जल्दी उन्हें भी है, इंतजार करने की आदत हमारी भी नहीं। अच्छा, तो बरखुरदार आप क्या करते हो? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, वो भी अपनी खुददारी की वजह से, ताकि कल को मेरी औलाद मुझे देखे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाप ने अपने माँ बाप के कमाए हुए पैसे पर जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि खुद भी बहुत कमाए। माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं भी ये समझता हूँ कि जो लोग अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करते वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। मैं भी ऐसे ही था। बिल्कुल सही कहते हैं भाई साहब, लेकिन इस काम में ख्वारी बहुत है। बाजू का प्रॉपर्टी का दावेदार कोई और भी निकल आए ना तो परेशानी लग जाती है। लेकिन माशाल्लाह संभाल लेता है सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लेना हम लोग को, चाय वगैरह कुछ है आपने? प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी भी निकल आती है जिसमें से भाई बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेता है। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ताई, ये इनको पकड़ाना जरा। वो मेरे देवर का बेटा है, लेकिन इसे पाला हमने ही है, और अब तो दामाद भी है हमारा। अच्छा अच्छा। भाई साहब, बेटी घरदारी के अलावा भी कुछ करती है? मेरा मतलब है कि बिजनेस वगैरह में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो माशाल्लाह भी वकालत पढ़ रही है। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुदा ना खास्ता घर में कोई मसला हो गया, वकील तो घर का ही होगा ना। हाँ जी 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 जी। जरीना, फरीशा को ले आओ।
हेलो, कहाँ हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुनो, तुम मेरी तरफ नहीं आ सकते? खैरियत तो है? हाँ, वो रिश्ता देखने के लिए आए हैं। हाँ, रिश्ता देखने? कौन? कोई अच्छे बिजनेसमैन है, अप्पू के किसी दोस्त ने रिश्ता बताया, इसलिए मैं जा रही थी कि तुम भी आके लड़का देख लो, बाद में ये ना कहना कि मैंने किससे शादी कर ली। नहीं कहता। वैसे भी बहुत नसीब वाला है। एक तस्वीर भेज देना बस। अच्छा, कैसे भेजूंगी, पहली बार मिलने आए, अच्छा नहीं लगता। तुम नहीं आ सकते? नहीं यार, एक इमरजेंसी है हॉस्पिटल में, वरना मैं जरूर आ जाता। ठीक, तुम्हारी मर्जी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मुझे तो डर है कि कहीं दूल्हे वाले तुम्हें देख के नजर ही ना लगा। साहब जी कह रहे हैं फ्रीशा बेबी को ले आए। चलो भाई, ये मुंह बाहर जाके मत बनाना। चलो। चल रही हूँ, चल रही हूँ, रुको तो सही। बेटा माशाल्लाह कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, इधर बैठ। आ जा बेटा, ये हमारी बेटी है जी, परीशा। मेरे पास बैठो बेटा। माशाल्लाह। बेटा ये इनकी बड़ी बेटी है, इनका नाम है रानी, और ये इनके शौहर हैं, और ये मीना इनकी छोटी बेटी है, और ये है शाहजमान। भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो लड़की और लड़का आपस में कुछ बात कर ले। मेरा ख्याल है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो फिर हमें ये रिश्ता मंजूर है? हमें भी मंजूर है जी। ये मेरी छोटी बेटी है फलीहा। अच्छा, माशाल्लाह। इनकी माँ नहीं है ना? जी नहीं, माँ नहीं है। बेचारी बिन माँ के पली हैं। खैर, नसीब है। भाई साहब, आपकी अगर कोई डिमांड हो तो बताइए। मेरे नजदीक तो जिसने बेटी दे दी उसने पीछे रखा ही क्या है। सच्ची बात की ताया जान ने, मुझे नहीं, नहीं, वैसे अगर आप अपनी मर्जी से कुछ देना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करें, रस्म अदा करें। हाँ जी जी भाई साहब, जरूर। बेटा इधर आओ। ये लो बेटे, आप पहना दो। इधर बैठो। बिस्मिल्लाह करें भाई साहब। जी जी बिस्मिल्लाह करें, रस्म अदा करें। बेटा ra 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 ra
मुबारक हो भाई साहब। मुबारक हो आप सबको। मुबारक हो। हाँ, ये तीनों अंगूठियां जो है ये आप तीनों के लिए। हमारे लिए? एक मिनट, वो मेरी बेटी को जेवर से बहुत प्यार है जी। जेवर ही तो पहना हुआ होता है बेटियों का। जी जी। क्यों ना शादी की डेट भी हम आज ही फाइनल कर ले। जी जी क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह करें ना आप। अब्बा अभी उन्होंने तैयारी करनी है, इनकी माँ भी नहीं है, सारे काम अंकल ने करने हैं, 100 चीजें बनानी होंगी उन्होंने। मेरा मतलब है बेटी बयाना कोई आसान काम तो नहीं है ना। जी हमने क्या तैयारी करनी है, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस जो तारीख मुनासिब समझे आप लोग रख लें। तो बस ठीक है, इसी जुमे को हम बारात लेकर आ जाते। लो जी, लड़के को तो हमसे भी ज्यादा जल्दी है शादी की। भाई जब हमारे दामाद ने कह दिया तो फिर हमें क्या एतराज हो सकता है। तो भाई साहब फिर से मुबारक हो आपको। आपको ही मुबारक, खैर मुबारक। वैसे अंगूठी तो उन्होंने वजनी दी है हमें। हाँ लेकिन अम्मा, अब्बा को ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या कहूं उसे, ये झूठी चौधराहट उसके दिमाग से नहीं जाती। मीना ताई, एक बात जहन में आई है। बको। अगर उन्होंने सचमुच में कुछ ना दिया तो मनहूस मारे कभी सही बात ना करना। अम्मा सोचने की बात है। ऐसे कैसे हो सकता बेटा, देखना बहुत कुछ देंगे। अभी से जगह बनाना शुरू कर दो तुम दोनों। पुराने सामान को सेल कर देंगे। अगर नया सामान आया तो ये जो तुम तो पर आके रुकते हो ना, कसम से बहुत जहर लगते हो। मैं तो अभी से बता रही हूँ, नंद भराई मुंह मांगी लूंगी मैं। हाँ बेटा, जब इतना कुछ दे रहे हैं तो नंद भराई में कंजूसी थोड़ी करेंगे वो। मुझे क्या मिलेगा अम्मा? जो इससे मिलेगा ना दोनों बांट लेना। मैंने अपने हिस्से में से किसी को कुछ नहीं देना, पहले ही बता रही हूँ। हाँ रानी, अब अलग अलग सबको थोड़ा देंगे वो। ये लो रखो वापस। मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारी नंद सड़ियल तबीयत की लगती है। है ना, मुझे भी ऐसे लगा। अल्लाह बचाए उसे। किससे? तुम्हारी वकालत से। मुझे तो वैसे अभी सोच के हंसी आ रही है, क्या होगा उस बेचारी का। अबू आप अभी तक सोए नहीं? डॉक्टर ने आपको कहा था कि आपने टाइम से सोना है। ओहो, एक तो ये तुम्हारे असलम अंकल का फोन बंद आ रहा है। अब क्या कहना है उन्हें? भाई उन्हें बताना भी तो है ना कि बात पक्की हो गई है, वरना कल कल वो गिला करेंगे कि आपने तो हमें बताया नहीं। वैसे उन्हें आज आना चाहिए था ना। और बेटा कुछ जरूरी काम थे फैक्ट्री के हवाले से बैंक वालों के साथ, तो वो मुकम्मल करवा रहे थे। वैसे अब आपने शादी की तारीख पे इतनी जल्दी हाँ क्यों कह दी? मैं आप पे बोझ बन गई? बेटा बेटियां कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होती। तो दामाद ने कह दिया तो फिर मुझे हाँ में आ तो मिलानी पड़ी ना। वैसे मेरा भिनोई है बड़ा स्मार्ट। स्मार्ट मतलब? जानती हो ना कि स्मार्ट दो जगह पे यूज होता है,
जानती हूँ मैंने खूबसूरती वाला स्मार्ट यूज किया है, चालाक वाला नहीं। हाँ तो तुम हैंडसम भी तो बोल सकती थी। बेटा ये वकालत अपने ससुराल जाके ना करना। अब वो पता नहीं वहाँ जाकर मुझ पर कोई पाबंदी लगे ना लगे आप अभी से मुझ पर लगा दो। वैसे आपके दामाद करते क्या है? प्रॉपर्टी बिजनेस। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बिजनेस जमीनों की खरीदो फरोख्त, जायदाद की खरीदो फरोख्त, यही तो होता है प्रॉपर्टी बिजनेस। अच्छा अब तू भी अपनी बहन की तरह वकालत करने लगी हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी। ठीक हुआ तुम्हारे साथ। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ वो अम्मा अब्बा ने मेरे लिए रिश्ता दिखाया तो हाँ। तो तुम शादी कर रहे हो? मैं सोचती थी कि तुम मुझसे शादी करोगे और मुझे एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। फैमिली रिया तुम्हें अपनी फैमिली नहीं मिले, किसी और की फैमिली कैसे मिलेगी? मैं समझता हूं हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है क्या ये काफी नहीं है? नहीं है काफी। दोस्तियां शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, उम्र भर के लिए नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? तुमसे शादी करना चाहती हूं, वरना। वरना क्या? वरना क्या? वरना अपनी जान दे दूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना ओके? मेरा एक इज्जतदार खानदान है और फिर रिया तुम्हें तुम्हारे अब्बू ने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारी अम्मी का ताल्लुक। मेरी माँ जैसी भी थी मगर मैं तो ऐसी रही हूं ना। तुम भी वैसी हो। तुम वहां टिकटॉक पे क्या करती हो? मेहनत बातें करके अपने जिस्म की नुमाइश करके फॉलोअर्स बढ़ाती हो। ये तुम कह रहे हो? यू नो व्हाट रिया, दुनिया भी यही कहती है लेकिन तुम सुनना नहीं चाहती। हाँ मैं नहीं सुनना चाहती किसी की क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है। और शाहजमान तुमने भी तो मेरी पोस्ट देखकर ही मुझसे प्यार किया था ना। तुम्हें तो मुझसे वादे किए थे, तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैंने तो नहीं कहा था। हाँ मैं अभी भी जुदा नहीं हुआ ना हूंगा, मैं सिर्फ शादी कर रहा हूं। आसमान औरत ये तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई हमारी बेटी की तो सभी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हारी नजर उतार रही हूँ, सभी तो बाहर नजर लगाए बैठे थे।
बेटा चांद पे तो सबकी नजरें होती है ना भाई। ये चला दो। सुनो मेरे कमरे की अलमारी में कुछ चीजें रखी हैं, वो जरा उठा के ले आना। क्या बात है बेटा, परेशान हो? वो मेरा दोस्त है ना लकी। हाँ हाँ तुमने बताया था कि वो आएगा। हाँ अचानक से उसकी फूफो की डेथ हो गई इसलिए आ नहीं सका वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा एक मुकर्रर वक्त पे तो सभी को जाना है। आज तुम्हारी माँ भी बहुत याद आ रही है बेटा। कितनी जल्दी चली गई हो। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। तो क्या बाबू हम दोनों हैं ना आपके पास? बेटा मुझे तो अभी से ये घर बहुत सोना सोना लगने लगा। मैंने तो कहा था कि अभी मेरी शादी मत करें आप। देखो बेटा एक ना एक दिन तो ये होना ही होता है ना। चलो अच्छा ये हुआ कि वक्त पे हो गया और देखो खानदान भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह लड़का भी बहुत अच्छा है। भैया दरवाजा खोलो। भैया मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। सब बातें खत्म हो चुकी हैं शाहजमान। भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये शादी ये सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, दैट्स इट। पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें पैसे दे देती। रिया प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मैं समझ चुकी हूँ, अब तुम समझो। मैं तुम्हारी खुशी को किसी सूरत खुशी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या करोगी तुम? हाँ क्या करोगी? वक्त आने पर बता दूंगी। अभी तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस बुलवा लूंगी। रानी देख कैसी लग रही हूं मैं? अरे वाह, इस उम्र में तो माएं बेटियों को तैयार करती हैं, आप तो खुद सच के आ गई हैं। तारीफ हरगिज ना करना तू। आज तक अब्बा ने कौन सी आपकी तारीफ की है? वो तो है ही कंजूस बंदा। एक खबर लाई हूं मैं। अब खुशी के मौके पर कोई कोई मरहूस खबर ना सुना देना। भाई के ससुराल से खबर है। क्या खबर है? भाभी को पूरे 10 तोले का जेवर पहना रहे हैं वो। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारा ही है ना वो भी। लेकिन तुम्हें किसने बताया? उनकी छोटी बेटी है ना, उससे बात हुई थी मेरी। अच्छा, नसीब वाली है वो। और एक मैं हूँ जिसे लाल चुनरी देकर दुल्हन बना दिया गया बस। तूने कौन सा घर से बाहर जाना था? वही रहना था, वही पहनना था। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अम्मा देख लेना कहीं वो हमें 10 तोले सोने पे तरखा ना दे।
ले, ऐसे कैसे हो सकता है? जो लड़की को इतना जेवर दे रहे हैं, तो दिल खोल के जहेज भी देंगे ना? देख ले, अगर उन्होंने कुछ ना दिया तो? चुप, ये शोहर की तरह तो मत निकालना, वरना तेरी तोती निकाल के ना हथेली पे रख दूंगी। जल्दी से तैयार हो और बाहर आ। चल चल। आओ बेटा। अम्मा, जो कुछ भी लेना देना ना, उसका हिसाब किताब पहले से ही क्लियर कर लेना। पागल हो गई है? इतने बड़े लोग हैं, ये छोटी छोटी सी बातें अच्छी नहीं लगती भाई। ताई, बकाओ। देख लेना, कहीं ये छोटी छोटी बातें बड़ी बन गई तो तेरी तो। चुप करके चल। अम्मा, तूने देखा था अब्बा कितनी फ्रॉक दली से नोट लुटा रहे थे? कितनी दफा समझाया, लेकिन इस बंदे की चुदराहट नहीं खत्म होती। मेरी बात सुनो, अगर कुछ भी नुकसान हुआ ना, तो अम्मा अब्बा को छोड़ने वाली नहीं है। रास्ता रुकाई। ओके, हुक्म करें। 100K। अम्मा, ये तो लेने के देने पड़ गए हैं। क्या मांग रही है? 1,00,000। है? ना करना। अरे बेटा, ये क्या कर रही हो? पापा बीच में ना बोले, ये हक है मेरा। ओके, ये हम सो रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ कम करवा लो बेटा। यहाँ भाव नहीं कर सकते, इज्जत कम हो जाएगी तेरी। नुसरत? अब जी। दे दो पूरे। पूरे? अच्छा, रानी दे। दे दो अम्मा, दे दो। हाँ। रहमत, क्या क्या लिखवाया निकाहनामे में? हक मेहर शरई। वो तो अच्छा है। अब और क्या? सब कुछ निकाहनामे में लिखवाएंगे क्या? वो तो मुझे पता है। औरतें बता रही थी कि सूट भी बड़े महंगे डिजाइनर से बनवाए इन्होंने। पर तुम हिसाब करते करते थक जाओगी नुसरत बेगम। देखना, जितना लगाया है उससे ज्यादा ही कमाएंगे। फरीशा वल्द वहीद खान, आपका निकाह शाह जमान वल्द रहमत अली से बहक्के शरई हक मेहर 51,000 रुपये तय पाया है। आपको कबूल है? जी, कबूल है। आमीन।
तुम्हारी खुशी को दुख में बदल दे, उसे खुश रहने का हक है क्या? नहीं ना। भावी, इस घर के दरवाजे से अंदर जाने के लिए पहले आपको नंद भराई भरनी पड़ेगी। रानी, ये कौन सी रस्म निकाली तुमने? क्यों बुशरा, जब साली रस्ता रुकाई और दूध पिलाई ले सकती है तो फिर नंद नंद भराई क्यों नहीं ले सकती? वैसे भी इस घर में देवर तो है नहीं जो गोद बिठाई की रस्म हो, तो फिर नंद भराई की रस्म ही चलेगी, क्यों भाभी? हाँ 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 जरूर। तो फिर भाभी मैं मांगूंगी जो अपनी खुशी से दोगी। बेचारी इस वक्त क्या लाई होगी साथ, फिर ले लेना। क्यों, तुमने लेनी है? नहीं नहीं तो? तो फिर उसे वादा करने दो ना जिसने देना है। क्यों भाभी, अभी दोगी या फिर कभी? फिर ले लेना। वादा? हाँ वादा। जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठीक ठीक है, बिस्मिल्लाह। बेस्ट ऑफ लक भाभी। ओके, मैं जा रही हूँ। चलो चलो, आजो, क्यों खड़े हो, आजो बाहर, चलो तुम भी आओ। शाही जी। अम्मा। बेटा वैसे ही कह रही हूँ, बातों बातों में ना बहू से पूछना उसका बाप क्या क्या दे रहा है। वैसे मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है, गाड़ी बुक करवाई है उन्होंने, अब पता नहीं। अम्मा मुर्गी आ गई ना, अंडे भी मिलते रहेंगे,
अगर ना मिले तो तेरी तो मनहूस मारे चल कर आओ। परीक्षा ये हमारी खानदानी अंगूठी है, इस घर में आने वाली हर दुल्हन को पहनाई जाती है। कितनी खूबसूरत है ये रात जिसमें हम दोनों एक हुए। कोई बात नहीं करोगी इस रात से पहले की? मुझे बातों में से बात निकालने की आदत है। आप करें बात, मैं भी कहीं ना कहीं से बात निकाल ही लूंगी। लॉयर हो ना? अभी तो मिसेस शाह जमान है। मुझे प्यार से शाही भी कहते हैं। आई नो। मीना बता रही थी आपके बारे में बहुत कुछ। देखो ना ही तुम वकील हो ना ही मैं प्रॉपर्टी डीलर, हम दोनों मियां बीवी। मैं जानता हूं शादी से पहले दोस्तियां होती हैं, लड़की की भी लड़के की भी, लेकिन शादी के बाद शौहर सिर्फ अपनी बीवी के लिए और बीवी शौहर के। सही कह रहे हैं आप, मोहब्बत में तकसीम कभी औरत पसंद नहीं करती। और मर्द? मैंने देखा है अदालतों में इस बेवफाई का इल्जाम 98% मर्दों पर ही लगता है। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये मेरे दोस्त भी ना किस किस की वीडियो सेंड कर देते हैं मुझे। मैं इजी हो गया था। मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मगर तुमने तो मुझे मिस ही कर दिया। अपनी जान देने जा रही हूँ। बस उससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दूंगी कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम। तुम्हें तो पता है ना मेरी आज हर वीडियो टॉप ट्रेंडिंग पे जा रही है। सोचो कितने लोग देखेंगे।
ओहो असलम, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, वकील का भी फोन बंद है। मैं तो बर्बाद होके रह गया हूं, सारी मार्केट में मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी। मैं तो तुम्हें कहता रहा हूं मगर तुमने ही इजी ले लिया। ये कर्जा लेने के लिए तुमने मुझे फंसाया था, याद है ना तुम्हें? ये कह के कि माल बढ़ाते हैं। उस वक्त जरूरत थी हमारी, मेरा सप्लाई कहां से देते? मुझे सो थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए था, लालच में आके सूद के पैसे ना लेता। मेरे कसूर असलम इसमें। अब्बू पानी लाओ। यार वो अचानक मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसका आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं बस आता हूं। ओके आपके पेशेंट को होश आ गया है। थैंक्स, मैं मिल सकता हूँ? अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जैसे ही वो चाहते हैं आप मिल लीजिएगा। थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन मेरे अबू कहाँ है? इमरजेंसी में है। परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, आओ चलो देखते हैं। तुम अकेली आई हो, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? क्यों क्यों किया तुमने ये सब? तुमसे कहा था ना, तुम्हारी किसी खुशी को मैं खुशी नहीं रहने दूंगी, और देख लो मैंने अपने कहे को पूरा किया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? अब चाहत नहीं रही, बस तुम्हें यहां तक लाना था, मैं ले आई, अब तुम जाओ। तुम्हें पता है आज तो आग रात थी तुम्हारी, बर्बाद हो गई। मैं सुबह आऊंगा। रात तो ढलने लगी है। कौन सी सुबह आओगे तुम? माफ करना दुल्हन रानी, ना कसूर तुम्हारा है ना मेरा, बस बेवफाई ने हम दोनों को एक ही बेवफा से मिला दिया। ऐसे ही परेशान हो रहे थे, बिल्कुल ठीक है वो, अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। हम अबू से मिल सकते हैं? हाँ आओ। अम्मा, अम्मा फरीशा कहाँ गई? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल? तुम्हारे ससुर को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक?
और आप सब में से फरीशा के साथ कोई नहीं गया? उसने सांस ही कब लिया बेटा, तुम्हारी अम्मा तो आवाजें ही देती रही। ऐसे वक्त में आवाजें नहीं दी जाती, साथ चला जाता है अब्बा। मैं भी इन्हें यही कह रही थी भाई। ये तो टिकटॉकर रिया है ना, तुम्हें क्या हुआ? बताया तो था मोहब्बत में नाकाम हो गई है। मोहब्बत में नाकाम हो गई है तो क्या हुआ? मोहब्बत में बनना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं। तो फिर बस जीने को जी नहीं चाहता। तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे उसका नाम जरूर बताना जिसने तुम्हारे साथ ये किया। अदालत में ऐसा घसीटूंगी कि याद रखेगा सारी जिंदगी। Excuse me. Hello? Hello, फरीशा? फरीशा, मैं शाजमान, अभी भी घर आया तो। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? नेशनल हॉस्पिटल। नेशनल? ठीक है, अब इस वक्त एक और मरीज के पास खड़ी। टिकटॉकर है हमारी, मोहब्बत में धोखा खाकर आई, अभी वहीं खड़ी हूं। और मैंने इनसे कहा है कि मुझे उसका नाम जरूर बताना जिनकी वजह से इसके साथ ऐसे हुआ। चले, आप आराम करो। डर से डरते रहना वरना बच नहीं पाओगे। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? इसी सवाल ने तो मुझे इस हाल में पहुंचा दिया कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। यार, तुम्हें पता है कि रात जा चुकी है शाही, तुम्हारी शादी की पहली रात। माना कि इंतजार करने वालों के पास ना बहुत वक्त होता है। एक लड़की बेचारी सेज पर बैठकर अपने बेवफा शोहर का इंतजार कर रही है। आदत को बदलो अपनी। मैंने सुना है बेवफाओं से बेवफाई बर्दाश्त नहीं होती। जाओ, किसी एक से तो वफा निभा लो। जाओ शाही, जाओ। कमाल है वैसे आपके घर वाले, सबको जुलरी की पड़ी, किसी ने भी मुझसे एक बार नहीं पूछा कि अचानक से मेरे अब्बू को हुआ क्या। और तो और किसी ने इस बात का भी शुक्र अदा नहीं किया कि बहू सही सलामत घर आ गई। ये रिश्ते हैं जिन्हें निभाने के लिए हम एक हुए। देखो, उन्हें भी फिक्र थी, सारी रात जागते रहे सब इसी परेशानी में। जानती हूं,
कल जब मैं जा रही थी तब भी आवाज देकर उन्होंने जेवर का ही कहा था। अगर उन्होंने बनाकर दिया था वो तो मुझे जान से मार देते। और आप अभी तो कुछ नहीं बोले। क्या बोलूं? अभी तो सुन रहा हूं जो तुमने कहा। तुम्हारे घर वाले सुन लिया मैंने, मगर क्या मैंने कहा तुम्हारे अब्बू, अपना अब्बू कहकर बुलाया उन्हें? सुना था ना तुमने? वकालत कर रही हो, बात से बात निकालकर बात करती हो, मगर रिश्तों को रिश्तों से मत निकालो प्लीज। ये जैसे भी है मेरे नहीं, हमारे घर वाले। सॉरी, मैं क्या करूं? जब भी कोई बात या काम मुझे गलत नजर आता है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं चेंज करूं वो मेरे सूटकेस में से मेरे कपड़े ला देते। प्रेस भी कर दूं? आप भी ना प्लीज, बस ला दें। हमारा खानदान वो खानदान है जो गर्मी को नरमी में बदल देता है और फिर गुलामी में। ऐसे मेरा एक उधार चुकाना है तुमने। कौन सा उधार? भूल गई ना भाभी, इसीलिए मैं उधार नहीं करती। सच में मुझे याद नहीं, बताओ तो सही कौन सा उधार। नंद भराई का उधार। अच्छा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा ना मुझसे मांग लेना। बस फिर मैं ये लूंगी। नहीं, ये तो मेरी मामा की निशानी है। तो क्या हुआ, तुम्हारी मामा तो अब इस दुनिया में नहीं है ना? हाँ, लेकिन ये मैं फलीहा को दूंगी। बंदा वही अच्छा जो अपनी जुबान पर पक्का रहे। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। बात सुनो, तुम्हें ये पसंद है ना, मैं बिल्कुल ऐसा ही नया तुम्हें बना दूंगी। ये मुझे दे दो। ये मेरा हो गया, थैंक यू। लो अब मार के दिखाओ। परीक्षा, आज तो तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। बाप, आप तो पहले से तैयार हो रहे। तो यही कहने आई थी कि तैयार हो जाए, कहीं बाहर चलते हैं। बस एक दोस्त काफी दिनों से जिद कर रहा है कि मैं उसके साथ स्नूकर खेलूं, तो वहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा,
वो फलीहा भी जिद कर रही थी कि कहीं बाहर चले। हाँ तो तुम उससे जाओ। क्यों, आप नहीं लेकर जाएंगे? तुम लोग मेरे साथ कहाँ घूमोगे? मैं स्नूकर खेल रहा हूँ, देख कर बोर होगे तुम लोग। तो कोई नहीं, हम भी देख लेंगे आपकी गेम कैसी है। नहीं तुम वहाँ नहीं जा सकती। क्यों, हम क्यों नहीं जा सकते? वहाँ सारे मर्द होते हैं। तो आप अपनी बीवी को किसी से कम समझते हैं? सारा दिन अदालत में भी मेरा मर्दों से ही वास्ता पड़ता है। पड़ता होगा वास्ता, मगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा साथ लेके जाना। चले, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो रहने देते हैं हम। अगर अपना मूड खराब करोगी तो मुझे अपना जाना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, आप हो आए, तुम दोनों भी कहीं से हो आओ ना, मैं सही से गेम नहीं खेल पाऊंगा, हार जाऊंगा मैं। अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों भी कहीं से हो आते। आप कब तक वापस आएंगे? ये कोई 2-3 घंटों तक। ठीक है, फिर तब तक हम लोग भी वापस आ जाएंगे। ओके आता हूँ। नहीं जाता हूँ। नहीं आता हूँ। तुम्हारे पास से जाने की बात नहीं आएगी कभी मेरी जुबान पर। ठीक हो आए। जानते हो लकी, जिन्हें मोहब्बत में धोखा मिलता है ना, उनकी पहली मुलाकात यहीं होती है। सही कह रही हो तुम। क्या तुम्हारी भी इब्तिदा यहीं से हुई थी? मुझे धोखा नहीं दिया उसने। ओह भूल गई, अब तुम तो उसे बता ही नहीं सके थे कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। खैर छोड़ो, आप बताओ क्या लोगे? कुछ भी। मेरी पसंद को पसंद करो। नहीं, तुम्हारी पसंद में एक बेवफा का नाम आता है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं ऑर्डर की बात कर रही हूँ। जो भी मंगवा। ओके एक्सक्यूज मी, चलो भाई कहीं बाहर चलते। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? तुम हर बात पे क्यों, कैसे, कब, क्यों पूछते? पता होना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन क्या है ना, सरप्राइज भी तो कोई चीज होती है। अब जरूरी तो नहीं, हो सकता है जो आपके लिए सरप्राइज हो वो मेरे लिए शॉक निकले। वकील हो ना, हर बात को हर पहलू से देखते हैं। मैं तो क्या क्या देख रही हूँ ये आप नहीं देख रहे। बताओगी नहीं? ऐसा क्या है जो तुम देख रही हो और मेरी नजर में नहीं? आपको पता, मैं जब भी कोर्ट में कोई केस प्रिपेयर करती हूँ तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स बनाती हूँ। लेकिन हमारे घर में, हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा केस है जिसके तुम पॉइंट्स इकट्ठे करती? हमारी जिंदगी ना राइट और लेफ्ट में फंसी। राइट हुआ तो सही और लेफ्ट हुआ तो आईने के अक्स की तरह उल्टा। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप जीतना चाहते हैं मुझसे? नहीं, हार का सोच के जीत से मुंह मोड़ चुका हूं मैं। बातें तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं आप। बना लेते हैं मतलब? छोड़े, बताएं कहां जाना। ऐसी जगह लेकर चलता हूं कि तुम याद करोगी। तैयार होकर आ जाओ। समझ नहीं आता।
मैं इसे अपने पॉइंट पर कैसे लेकर आऊं? मैं इसे घुमाने की कोशिश करता हूं, उल्टा मुझे ही घुमा देती। मतलब शादी पर गए थे तुम उसकी, अपनी महबूबा को किसी दूसरे के साथ रुखसत करने? नहीं, वो आई थी हॉस्पिटल शादी की रात तुमसे मिलने। इसका मतलब है वो भी थोड़ा बहुत चाहती थी तुम्हें। नहीं, उसके अबू को हार्ट अटैक हुआ था। ओ, कहीं उस रात वो तो नहीं? हाँ। बहुत बदनसीब हो तुम, कितनी अच्छी लग रही थी वो तुम्हारे साथ। दुआ करो अल्लाह उसके नसीब को अच्छा कर दे। जिनके दिल टूटे हो उनके दिल से दुआ नहीं निकलती। क्या देख रहे? अपने नसीब को। आईने से मत देखे अपना नसीब, वरना आईने के अक्स की तरह उल्टा ही दिखाई देगा। मेरा नसीब तो तुम हो, जो आईने में भी हो तो उल्टा नहीं हो सकता। ये किताबी आशिकों की तरह मजनू बनने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते। ये मेरे दिल की आवाज है। दिल से तो सिर्फ धक धक की आवाज आती है, बातों की आवाज तो नहीं आती। तुम मर्द को गलत तराजू में तोल रही हो। शाही तराजू के दो पलड़े होते हैं, जिसमें वजन कभी कम कभी ज्यादा हो जाता है। इसी तरह मर्द और औरत की जिंदगी भी होती है, कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम। मैं महसूस करता हूं कि बहुत तलखी है तुम्हारी बातों में। मेरी बातें भी आपने सुनी ही कहा, तो सुना दो ना। क्या सुनेंगे? जो दिल में, मेरे मतलब जो ज़हन में। सिर्फ एक बात कहूंगी। कहो। औरत की आंख से मर्द की कोई हरकत छुप नहीं सकती। वो अलग बात है कि वो सब जानते बूझते हुए भी खामोश हो जाती। क्या हुआ, जाने नहीं क्या? ऐसे जाएंगे, चेंज नहीं करना? हाँ, चेंज करके आता हूं। एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है उसकी शादी हो गई है तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? इंतजार किसका है? यही बात अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम क्या जवाब दोगे? मुझे तो उस बेवफा के लौट आने का इंतजार है। इतना यकीन क्यों? क्योंकि मेरे दिल से उसकी मोहब्बत अभी तक निकली ही नहीं। चलो चले। जान छुड़ा रहे हो कि कहीं मैं तुमसे ये ना पूछ लूं कि तुम्हारे दिल में भी अभी तक उसकी मोहब्बत जिंदा है या नहीं। मोहब्बत का क्या है, दिल को उजार करके उसी में बसी रहती। चलो।
वहां बैठते। वहां क्यों? मैं जब भी यहाँ आता हूँ वही जगह जहाँ बैठता हूँ। अच्छा, मैं भी अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। यकीनन तुम वहां बैठती होगी। हाँ। किसके साथ? मैं किसी ना किसी केस के सिलसिले में क्लाइंट के साथ या मोस्टली फ्लीहा के साथ। आप किसके साथ आते रहते हैं? मैं भी जब भी क्लाइंट के साथ डील करनी होती थी यहीं आता था। फिर तो वो आपकी बिजनेस चेयर है, मगर आज तो हम बिजनेस के लिए नहीं आए। तो ठीक है, फिर आज हम जगह बदल लेते हैं, एक नई जगह सिर्फ हम दोनों के लिए। थैंक यू। दूसरा दिन हो गया आज। भाई रोज अपनी चहेती बीवी को लेकर निकल जाता है और आप भी उसे मना नहीं करती हैं। अब क्या कहूं, जब अपनी औलाद ही निकम्मी है तो किसी दूसरे से क्या कहूं। तो कहना चाहिए ना, जैसे मुझे कहा करती थी, होटल में जाकर फजूल खर्ची नहीं करनी, घर बैठो यहां पकाओ और खाओ। पैसे तुम्हारे वाला कुछ कमा के लाता है क्या? बहू के घर से कुछ आने की उम्मीद तो है ना? काश मेरी शादी भी मेरी मर्जी से हुई होती, कम से कम आज मैं अपने सास और ससुर के घर ऐश तो कर रही होती। ये सब ना आप और अब्बा जी की वजह से हुआ है। आप लोगों ने शादी करवाई मेरी इस निकम्मे और खट्टू से। ये तुम्हारी खोल रही तो आज तुम्हारी खैर नहीं। हेलो, कल से फोन कर रहा हूं, बहुत बिजी हो। कौन कौन बोल रहा? ओ सॉरी, मुझे अपना तारुफ पहले कराना चाहिए, वरना तुम्हें ये पूछने की जरूरत पेश ना आती। कौन बोल रहा? अभी भी तुमने अपना नाम नहीं बताया। एके बोल रहा हूँ। एके, मेरा ख्याल है आपने गलत नंबर पे कॉल कर दिया। नहीं, नंबर तो राइट है। हाल बता, बंदा रॉन्ग कह सकते हैं जिससे बात कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब की बात तो अभी मैंने की ही नहीं। करो ना, क्या बात करनी है? रिया को जानते हो? यही सवाल अगर मैं करूं तो? सवाल नंबर दो, वहीद खान के दामाद हो ना? हाँ, लेकिन शाही कमरे की चाबी तो दे दे। अब तुम्हें मेरे दोनों सवाल सोने नहीं देंगे, जाग मैं भी रहा हूं तुम्हारी कॉल के इंतजार। तुम सुआ हर वक्त अपने पास रखती हो?
बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए हमेशा पास ही रखती। ऐसे लोग सुधर जाएंगे क्या? हाँ, देखा नहीं था क्या कैसे हाथ जोड़कर भाग गया था? हाँ, देखा था। बस इतना ही काफी। लेकिन आप इतना कुरेद कुरेद के क्यों पूछ रहे? वो एक्चुअली तुम्हारा ये रूप पहले कभी नहीं देखा ना। वो रूप तो सिर्फ बिगड़े हुए लोगों के लिए। आप तो नहीं बिगड़े हुए ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं ही बिगड़ूंगा। आई नो, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं चेंज करके आती हूँ। क्यों लगता है हर तरफ से मैं ही फंसता जा रहा हूं? एक तरफ वो एके और दूसरी तरफ सुए वाली बीवी, सुए वाली। किस खानदान में फंस गया हूं मैं? किस खानदान में? इतना मजे का गरम गरम नाश्ता है। ये क्या है? क्या क्या है ये नाश्ता? आपने क्यों बनाया? तुम्हारे सर में दर्द थी ना, इसलिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उठ के बना लेती। नहीं, मैं हूँ ना। चलो फ्रेश हो जाओ, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मक्खन नहीं लगेगा। तू आ जा बीच में, तुम्हें लव स्टोरी ना चलने देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मतलब प्या? मुझे पता था तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी। मैंने कहा मतलब पे आ। डर है कहीं बेगम ना आ जाए? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, अगर मैं घूम गया तो टिक नहीं पाएगा तू। ओके ओके, कब आ सकती हो? घंटे तक। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। ओके। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? ये वो वही है, पूछ रहे थे कब तक आ सकता। नहीं क्यों, मुझे तो फ्रॉड लग रहा है जितना वो पीछे पड़ गया। अभी जाऊंगा तो पता चल जाएगा। चले नाश्ता शुरू कर। नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा खुद। यानी फुल मक्खन। तुम्हें लगता है कि मैं? अरे मजाक कर रही हूँ मजनू जी। चले अब लगा भी ले मक्खन। वैसे तुमने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल?
अच्छा वो दे दिया था ना जवाब उसे? कब? जब उसने पूछा कितना चाहती हो। क्या जवाब दिया था उसे? मुझे नहीं बताओगी? तो मैंने उसे कहा मैं चाहती नहीं, निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत चाहने का नहीं, निभाने का नाम। मगर वो मुझे चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। तुम भी तो चाह नहीं रहे, निभा रहे हो। अब वो भी अपने वाले को चाह रही है या निभा रही है ये तो उसे बताओ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसे हो? आप तो तुम्हारी बीवी के अंकल के बाप का दोस्त और रिया के पापा भी हैं। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो अब इस बात पर भी हैरत नहीं कि आप मेरे और रिया के बारे में जानते हैं। पापा होने के नाते इतनी खबर तो होनी चाहिए। जरा सोचो, अगर वहीद को पता चल जाए कि तुम और रिया, तो समझेंगे कि तुमने अपनी बेटी के जरिए उनके दामाद को फंसाने की कोशिश की। मैं अक्सर दोस्तों के साथ ताश खेलता हूं, मगर अपनी चाल चलने से पहले ये जरूर सोचता हूं कि सामने वाले के पास मुझसे बड़ा पत्ता तो नहीं। तुम ब्लाइंड खेलते हो, मैं स्नूकर का प्लेयर हूं। जब फ्रेम पर पहली बॉल हिट करती है तो मेरी नजर सिर्फ ब्लैक क्वीन पर होती है, और मैं कभी भी सामने वाले खिलाड़ी को लेकर जाने नहीं देता। हारना मुझे आता ना, और जीतना मेरी भी आदत है, मगर अब तुम्हें अपनी यह आदत बदलना पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी कहानी का भी तीसरा एडिशन, नहीं बल्कि पहला एडिशन अभी बाकी। कौन सा एडिशन? वैसे तो बीच में एक लड़की की खुदकुशी भी आती है, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं हो पाता। तभी तो तुम अदालत से बरी हो गए। तो जिससे साबित होगा वो बताओ ना। तुम इससे पहले भी एक शादी कर चुके हो ना? ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। छोड़ चुका हूं मैं उसको, मगर इस बात का तुम्हारे सुसर को नहीं पता। और ना ही तुमने अपने निकाह नामे में इस बात का जिक्र किया, लेकिन मुझे तुम्हारी इस शादी से पहले उस शादी का इल्म था, क्योंकि मुझे वहीद ने तुम्हारे बारे में इसी तरह छानबीन करने के लिए कहा था। और मेरी ही सब अच्छा की रिपोर्ट पर तुम्हारी शादी हुई, और मेरी सब अच्छा की रिपोर्ट ने ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाया। अच्छा, ये सारी कहानी दफन कैसे होगी? शुरू तो कर लेने दो, अभी तो बड़े स्पीड ब्रेकर हैं तुम्हारी कहानी में। उस बेचारी की सारी जायदाद भी हजम कर गए। तुम्हें उसमें हिस्सा चाहिए क्या? नहीं, वो खेल तुमने अकेले खेला है, लेकिन जो अब करेंगे उसमें दोनों का 50-50। मौन ठीक कहती,
जिस बंदे को धोखे की आदत पड़ जाए उस पर एतबार करने वाला भी धोखेबाज ही होता है। तुम जानते हो अगर फरीशा को पता चल गया तो? डोंट वरी, मैं ब्लाइंड खेलता हूं और तुम ओपन फील्ड के खिलाड़ी, लेकिन मेरी नजर होगी तुम पर। जहां भी गलत पता चला हार जाओगे सारे रिश्ते। प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, मैं चाहता हूं कि उस नीलामी में तुम अपीयर हो जाओ। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी? 8 करोड़, 4 तुम्हारा 4 मेरा। 4 करोड़? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुमने सिर्फ 1 करोड़ का बंदोबस्त करा, बाकी 3 करोड़ मैं तुम्हें बैंक से लोन ले दूंगा। नहीं, लेकिन बैंक में भी तो कुछ रखवाना पड़ेगा ना। हाँ तो 3 प्लॉट है ना तुम्हारे अब्बा के पास, उनमें 1 प्लॉट वो है जो तुमने अपनी पहली बीवी की प्रॉपर्टी को बेच कर खरीदा था। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फलीहा आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती? ये बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है, और बहुत सख्ती करती है। अच्छी बात, मैंने ही इसे कहा था कि आपको बिल्कुल भी बदपरहेजी ना करने दो। अच्छा, मैं समझा ये खुद ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही है। अब पता लगा तुम समझाती हो इसे, है ना? अब्बू आपको खोना नहीं चाहते इसलिए हम दोनों ये करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बैंक से कोई सेटलमेंट बनी है आपकी? हाँ नहीं बेटा, अभी फिलहाल तो नहीं हुई। हाँ बेटा बात चल रही, हो जाएगा। और फैक्ट्री जा रहे हैं ना? फैक्ट्री नहीं बेटा, बस अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ। चले अच्छी बात, लेकिन जब भी जाए फलीहा को साथ लेकर जाना, ये आपका ख्याल रखेगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूँगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम कहना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जी हाफिज। रिया, मैं शाजमान शाही। आई नो, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। शाही, जिसे मैं मिलना नहीं चाहती उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, और जिसे मिलना चाहती हूँ उसे कॉल बैक भी कर लेती हूँ। कहाँ आऊँ? रास्ता भूल गए हो तो लोकेशन सेंड करूँ? मेरा मतलब घर पर ही हो ना। मुझे होटलों में बैठकर इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। वहां बैठे बहुत से लोगों की नजरें इंतजार करने वालों के बेचैनी पर क्या सराहियां करती हैं। इसलिए जब से तुम गए हो मैं घर पर ही होती हूँ। आ रहा हूँ मैं। शाही अब तक अंदर क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? वहां तो गाड़ी भी नहीं खड़ी।
पता है आज पहली बार तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं शाही, ये जो वक्त होता है ना, जब अपने वक्त पर नहीं रहता ना, तो कदर ना करने वालों को बहुत तकलीफ देता है। मैं कभी इंतजार करते वक्त अक्सर सोचा करती थी कि इंतजार करने वालों के पास बहुत वक्त होता है, मगर नहीं, इंतजार करने वाले के पास वक्त ही तो नहीं होता, वरना वो इंतजार ही क्यों करे। मेरा ख्याल है एक महीने बाद मिले हैं हम। ये तुम कह रहे हो, शुरू शुरू में मेरे ख्वाब में तुम आते थे, मैंने सोना ही छोड़ दिया। ये अभी परसों की बात है, मेरी ऐसी आंख लग गई, तुम फिर से मिल गए। बहुत बुरे हाल में थे तुम और मुझसे हेल्प मांग रहे थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ओ, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई, लाओ मैं गर्म कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही पी लूंगा। पहले तो कॉफी गर्म पीते थे, खुद तो बदले थे, आदत भी बदल ली। हाँ बस। कैसी जा रही है तुम्हारी बिजनेस मैरिज? सही जा रही है। वो रिया, मैं एक फैक्ट्री मिल रही है मुझे, उसके लिए पैसों की जरूरत है तुम्हें। हाँ, ज्यादा नहीं, बस ज्यादा या कम, मैंने तो पूछा ही नहीं। बड़ा प्रॉफिट का सौदा है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ पार्टनर बन सकती हो। पार्टनर? सिर्फ बिजनेस में? हाँ, पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? सोच लो। तुम डील कर रही हो मुझसे? डील दे रही हूं तुम्हें, ताकि तुम सही फैसला कर सको। जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता। दरवाजा खुला है, जाते वक्त बंद कर देना। अरे भाभी जी, मैं तो समझी थी कि तुम आज नहीं आओगी। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मीना बता रही थी कि भाई आज घर अकेला आया,
तो मैंने अंदाजा लगा लिया इस बात से। ये मेरा घर है, बहू मैं इस घर की और मैं इस घर की बेटी हूं। बेटियां तो मेहमान होती हैं अपने माँ बाप के घर। तुम्हारे बाप ने मेहमान को एक रात भी अपने पास नहीं रखा। और एक मेरे माँ बाप जो मुझे अपने घर से जाने ही नहीं देते। मैं चाहूं तो सारी जिंदगी अपने अब्बू के घर रह सकती, लेकिन अपने शौहर को घर दामाद बनाने का मुझे कोई शौक। ये क्या कह रही थी? ताना दे रही थी तुम्हारा, इसीलिए कहते कोई काम कर लो। हाँ तो करता तो हूँ घर के काम, इसके अलावा क्या करूँ और मैं? घर दामाद हो ना भाई, काम करके भी निकम्मे। सुना तुमने? सही कह रही है वो, हटो पीछे। फलिया का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रही थी, तो मैंने बता दिया। पूछोगी नहीं क्या? यही के तुम्हें बताया क्यों नहीं, ऐसे क्यों आ गया, तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं आया? होगा कोई जवाब आपके पास? सुनोगी नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे जवाब को अपने सवाल का जवाब बनाकर पेश करें। फिर भी शाही, मैंने एक बार कहा था, दिल करे तो मुझसे बात करना, वरना खामोशी भी मुझे अच्छी लगती है। मैं सोने लगी हूँ, आप लाइट बंद कर देगा। पार्टनर बनाना है तो फिर हर काम में अपने नाम में बना पाओगे? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। हेलो, सो तो नहीं रहे थे? नहीं, अभी हॉस्पिटल से आया। तुम बताओ। कुछ नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ी देर तुमसे बात कर लूं। नींद के इंतजार में तो मैं भी रहता हूँ, मेरी तरफ भी बहुत कम आती है वो। मगर मेरी तरफ आया था वो। कौन? भूल गए? ओ, खैरियत से आया था? पैसे चाहिए थे उससे। देख लो, मेरी बात सच हो गई ना? कौन सी बात? वही जो मैंने उस दिन कही थी, मैं निभाती थी और वो चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि जिसके लिए मुझे छोड़ा है उसे तलाक दे दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी लगी वो उसे छोड़कर मेरे पास आएगा।
वे, ये मेरे मोहल्ले में क्या कर रही है? चल बाबर, आज इससे बदला लेते हैं। घटिया इंसान, रुको जरा, रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ, रुको जरा, घटिया इंसान, ये भाग रहे हो, रुको। फरीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार, ह्यूमन राइट का एक केस था, उस सिलसिले में क्लाइंट से मिलने आई थी, पता नहीं कौन घटिया आदमी मुझे इतनी जोर से टक्कर मार के चला गया। तुम्हें तो चोट लगी है? हाँ यार, बस माइनर से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया, आओ तुम्हें फर्स्ट एड दे दूँ, टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं जरा रिया को कॉल कर लूँ। रिया? क्या? हाँ, वो मेरी नंद है ना, उसको मॉडलिंग का बहुत शौक है, तो रिया ने उसे कहीं भेजा था उस सिलसिले में बात करने। मगर वो इस टाइम सो रही होगी। मेरी भी क्लाइंट है वो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा ना इस तरह मुझे देखना ही काफी है। नजरों की जबान कब से समझना शुरू कर दी? मैसेज कर दो रिया को, जब उठेगी तो कॉल बैक कर लेगी। और कब उठेगी वो? ये क्या पता? अच्छा, तुम्हें सोने का पता है उसके, लेकिन उठने का नहीं पता। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। डॉक्टर साहब प्लीज, आपका मरीज यहाँ है, फर्स्ट एड तो दे दे। तुम ठीक हो? तुम्हारी सोच आ गई तो ना सोचा करो ना मेरे बारे में। जितना कोशिश करता हूँ ना सोचा करो, उतना ही आ जाती है ये सोच। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ। दर्द हुई? क्या मसला है? क्या है? अम्मी देखिए जरा आंख पे, पता नहीं क्या डल गया। अरे नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं है। सॉरी, क्या कह रहे थे तुम? क्यों सोचते हो मुझे इतना? मत सोचा कर। कोशिश की थी। फिर क्या? जितना सोचा कि ना सोचूं, उतना ही सोच आ रही थी, है ना? लगता है तुम भी सोच रही थी। नहीं नहीं, अब नहीं सोचती। अच्छी बात। और कोई बात? बस वो डॉक्टर ने तुम्हें सातवें महीने इंजेक्शन लगवाने का कहा। बेटा देखा कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। ऐसा करो, तुम दाऊद के साथ चली जाओ अस्पताल, मैं इतनी देर में हांडी बना लूंगी। हाँ हाँ चलो। हाँ, वो चादर अंदर कमरे में रखी हुई है। और बेटा सुनो, आते हुए ना रोटियां लेते आना। ठीक है खाला। अरे चलना, उठना, जा जाके चादर ले लो। चलो उठो भी।
अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। अब ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, उन्हें डॉक्टर पे लेके गया था। अब तो वहाँ जा ही नहीं थे तो मैंने गाड़ी मंगवा ली। अब मुझे अम्मा से डांट पड़ेगी। सॉरी। ओके चले आप जाओ। ठीक है चले। चलो नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी भी ऑफ हो रही है। तो फिर क्या हुआ? तो अम्मी परेशान हो रही हैं। किस बात पर? यही मुझे देखकर और क्या? क्यों? माँ है ना, अब्बू भी नहीं है तो अकेली माँ को परेशानी तो होती है। मारिया किस बात पर परेशान होती है यही तो पूछ रहा हूँ। जवान बेटी जब तालीम मुकम्मल कर ले तो पेरेंट्स को परेशानी तो होती है ना उसकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। चलो मेरी कोई हेल्प चाहिए हो कभी भी बताना मुझे। ओके हेल्प? तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो। अम्मी मेरी शादी की वजह से परेशान है। ओह अच्छा, कोई अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं कोई रिश्ता वगैरह ढूंढ के बता दूंगी। रिश्ता? ये क्या कर रही हो? मार दियो। मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अच्छा आई एम सॉरी। मगर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना दिल चाहे मार लेना, मुझसे कभी नाराज मत होना, मुझसे कभी कभी दूर मत जाना प्लीज। ओके ओके, कल मिलते हैं। अम्मी से नहीं मिलोगे? नहीं। अच्छा तो डांट मैं अकेले खाऊं अम्मी से। तुम्हें बताया था ना अम्मी की तबीयत का। अल्लाह ने सेहत दे। आमीन। चलता हूँ फिर। फोन पे बात नहीं करोगे रात को? बात नहीं करूंगा तो रात कैसे गुजरेगी? ओके बाय बाय। जाओ। हाँ जा रहा हूँ। ओके बाय। जी जनाब, डांट डपट खा के फ्री हो गई? हाँ वो तो हजम भी हो गई, मगर अम्मी का गुस्सा ना बस थोड़े टाइम का होता है, उसके बाद तो सिर्फ प्यार ही प्यार है उनकी आंखों में भी और उनके हाथों में। वैसे मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मुझे बीवी के साथ साथ प्यार करने वाली माँ जैसी सास भी मिली। जनाब अब अपने अम्मा पापा को लेके हमारे घर तशरीफ लेके आ जाए। मैं अम्मा से बात करता हूँ। अभी आओगे क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, अम्मा अब्बा से बात करेंगे फिर अब्बा बताएंगे कि किस दिन आना। ओके लेकिन एक दिन पहले बताना मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मेरी नजर से बचाए, कितनी प्यारी है मेरी बहू।
बेटा हैरान ना हो, माँ बाप की नजर जल्दी लगती है ना बच्चों को, प्यार से जो देखते हैं ना, सच्ची और खरी मोहब्बत के साथ। सही कहा आपने। आप लोग बैठिए ना। हाँ, बैठो बेटा। बेटा बचपन में इसे मेरी ही नजर लग जाया करती थी और मैं सारा इल्जाम दादी पर दे दिया करती थी। जी जी ऐसे ही होता है। माशाल्लाह मेरा शाही भी बचपन में बड़ा गोल मटोल था, इसे भी बहुत जल्दी नजर लग जाती थी, फिर रोता ही रहता था। नजर होती इतनी बुरी है, अगर बच्चे को लग जाए ना चैन नहीं लेने देती। और फिर मैं भी सारा इल्जाम इसके अब्बा पर डाल देती थी। अरे हाँ, शाहजमान की अब्बा नहीं आए? अब क्या बताऊं बहन, शाही ने जब मुझे बताया तो मैंने इसके अब्बा से बात की तो वो तो फौरन ही भड़क उठे। उनके लिए तो सरप्राइज था ना, असल में पुराने जमाने का जहन है ना, वैसे तो मोहब्बत के किस्से बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत पर भड़क उठे। लेकिन आप टेंशन ना लें, इकलौता बेटा है, बहुत प्यार करते हैं इसे, इसकी खुशी तो हम सबको अजीज है ना। मेरी बेटी भी अकलौती है। मगर भाभी की बेटे के अलावा दो बेटियां और भी हैं। माशाल्लाह, बस बेटियां तो अपने घर की हो जाएंगी, फिर इसे मेरी बेटी बन के रहना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं रहेगी, जब तुम माँ बनकर इसे प्यार करोगी तो वो भी तो बेटी बन के तुम्हारी खिदमत करेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रही है। बेटा जाओ चाय लेकर आओ। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा ढूंढा है मेरे भतीजे ने। आप लोग ले ना। मुझे अपनी दहलीज पर देखकर। नहीं, परेशान हो गई। अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास देने को, फिर दहलीज पे आई को क्या दूं? कुछ लेने नहीं है, मैं तो मारिया, मैं तो देने आया। तलाक तो दे चुके हो तुम, और क्या दोगे? नहीं मारिया, वो तलाक नहीं हुई, मैंने पूछा है किसी से, जब मुझे पता चला तुम वहां बनने वाली, पर लग गए मुझे बिना रुके आगे तुम्हारे पास, वक्त तो भी पर लग गए, बिना रुके ही चलता जा रहा।
दो महीने बाद पक्की हो जाएगी। सुना ही नहीं मारिया, नहीं नहीं होगी पक्की। मैं फिजिया दे दूंगा, उसके बाद मैं और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने आने वाले बच्चे के साथ। तुम आओ अंदर। अम्मी अम्मी बाहर आए, देखे कौन आया। मैंने कहा था ना कौवा बोल रहा है, और मेरी नजर भी दरवाजे पे टिकी हुई थी। बाहर आए। अम्मी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। अम्मी बाहर आए ना। अम्मी अम्मी आए तो अरे मारिया मारिया अम्मी वो आ गया। अब तो तुमने भी ख्वाब देखने लग गई। बहन ये ले, ये दवाई ले, बड़ी मुश्किलों से मिली है, सारे स्टोर बंद थे। मुश्किल तो इधर भी बहुत होगी है बुशरा बहन। मारिया ठीक तो है? अभी तक तो सब कुछ ठीक है बुशरा बहन, लेकिन अगर ज्यादा देर होगी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या हुआ है? देखो बुशरा बहन, डिलीवरी घर पे नहीं हो सकती, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल इस वक्त? बुशरा बहन मैं कोई रिक्शा देखती हूँ, तुम अपनी बेटी को लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। मारिया मारिया चलो उठो 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 मेरा बच्चा उठो उठो उठो। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं अम्मी? कह रहे थे कि रशी अंदर, जैसे ही बारी आएगी वो अंदर बुला लेंगे। चले कोई बात नहीं, अम्मी आ ही जाएगी बारी। तुम ऐसा क्यों कह, क्यों दिल दुखाती हो अपनी माँ का? दुखी कहाँ कर रही हूँ अम्मी मैं, कि जिंदगी को मेरे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, यही कह रही हूँ। ना करना मेरी बच्ची, ऐसे वक्त में अच्छी दुआ करते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। अगर पैसे होते तो किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाती, मजबूरी है बेटा, बर्दाश्त कर ले मेरी बच्ची। मैं पता करती हूँ। मुझे तो पहली रात की रस्मों का बिल्कुल नहीं पता था, सलामी क्या देते हैं, दुल्हन का घूंघट उठाकर क्या कहते हैं, फिर मेरी अम्मा ने मेरे हाथ से अंगूठी उतार कर मुझे दी जो हमारी खानदानी अंगूठी है। अब मुझसे कहा कि
क्या हो गया अगर तुम्हारे अबू नहीं माने शादी की? मारिया है तो हमारे खानदान की बहू, इसलिए उसे ये खानदानी अंगूठी पहनाना सलामी में। मैं लेकर आया हूँ ये की तरह थी। हाँ ये आई रियली होप यू लाइक इट। खुशी नहीं हुई हमारी शादी पर? खुश तो हूँ इस बात में कि जिससे मोहब्बत करती हूँ आज वो मेरा हो गया। तो फिर हमारी शादी भी क्या शादी हुई, चार लोग बैठे और निकाह हो गया, जैसे टोली नहीं जनाजा रुखसत हो रहा। कैसी बातें करी हमारी? शायद ये जो अरमान होते हैं ना, अगर इनके दिल में बिना पूरे हुए वफात हो जाए ना, तो सारी जिंदगी मुर्दा दिल के साथ ही खुशियां मनानी पड़ती हैं। परेशान क्यों होती हो मारिया? देखना, मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूंगा, खुशियों से भर दूंगा तुम्हारा दामन, देखना। तो मुझे तो तुम पर यकीन है, मगर अम्मी ने भी तो कुछ सोचा था ना। तो मान तो गया हूं उनका बेटा बनकर इस घर में रहने के लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मारिया, तुम्हारी मोहब्बत, वरना सोच तो मेरी अम्मा के दिल में भी आई होगी, अगर उन्होंने मेरी मोहब्बत में मुझे कुछ कहा नहीं, बस हाँ में हाँ मिला दी। इसलिए मारिया प्लीज तुम भी अपनी अम्मी को समझाओ, बल्कि तुम्हारी क्या, अब तो वो मेरी भी अम्मी है, मैं उन्हें उनका बेटा बन के दिखाऊंगा। खुश थैंक यू, अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या देख रही हैं अम्मी? इस घर को देख रही हूँ जहाँ कल शादी हुई थी, यहाँ ये लगता है कि ये शादी वाला घर है। बस एक फर्द का इजाफा हो गया है। और वो फर्द भी तो आपका बेटा बन के आया है। मुझे बेटे की तमन्ना नहीं थी, अपनी बेटी की खुशी अजीज थी, और फिर सोचा कि चलो बेटी तो पास रहेगी। मैं भी बहुत परेशान थी कि मेरे जाने के बाद मेरी अम्मी अकेली कैसे रहेंगी, तो शुक्र है कि शाही मान गया और उसकी अम्मी ने भी कहा कि एक ही बात है, बेटा यहाँ रहे या वहां और सब अच्छा हो गया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। नसीब तो अच्छे हमें आपकी बेटी के, तभी तो सब उसकी खुशी को पूरा करने में लगे हुए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम आंटी। ये क्या हुआ? माशाल्लाह मेरी बहू रानी उठ गई है। अम्मी हाथ पे क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, शाही बेटा एक ग्लास पानी का तो पिला मुझे। मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं बेटा, चाहिए तुम्हारा घर है, लेकिन तुम मेरी बहू हो और हम लोग ना विरासत आने तक बहू से काम नहीं करवाते। बहन आपने बताया नहीं कि क्या हुआ है हाथ पे?
बस वो रात को यहाँ से खुशी खुशी गई हूँ ना, तो शाही के अब्बू से लड़ाई हो गई। सड़ियल है ना, खुशी देखी नहीं गई उससे। किस बात पर? जरा सी बात थी, ऐसे ही मेरे हाथ पर नजर पड़ी है तो कहते हैं अंगूठी कहाँ है। मैंने कहा बहू को कुछ ना कुछ तो देना था ना, तो मैंने अंगूठी दे दी। इस बात पर भड़क उठा, कहता मेरी माँ की निशानी थी। मैंने भी कहा तुम्हारी माँ ने मुझे पहनाई, मैंने अपनी बहू को पहना दी। बस फिर क्या था, इस बात पर ऐसा भड़का कि गिलास उठाकर मेरी तरफ मारा। मैंने हाथ आगे कर दिया तो गिलास मेरे हाथ पर लग गया। भला ये भी कोई बातें करने वाली? घर में छोटी मोटी लड़ाइयां तो चलती रहती है ना अम्मी। ये रिंग आप वापस ले लीजिए ताकि कल को दोबारा कोई मसला ना हो। मारिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरे और अम्मी का मसला है। मारिया, तुम नहीं बोलो बीच में, ये ले। अच्छा बेटा, तुमने पहली दफा मुझसे कुछ मांगा है, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम इनकार भी नहीं कर सकती। जीती रहो। शाही बेटा, बहू का मुंह मीठा करवाओ ना। जी जी, क्यों नहीं। क्या हुआ, इतने दिन से तो खुश थे, परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये जो लड़का आज आया था, कौन था वो? दाऊद। हाँ हाँ, मेरा कजन है ना, जब से खाला की डेथ हुई है अम्मी के पास अक्सर आ जाता है। इस वजह से परेशान हो? कैसी बात कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे शकी मिजाज समझती हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये क्यों कहा? वैसे ही। अच्छा, मैं अम्मी को थोड़ा टाइम देके आती हूँ, जब से शादी हुई है उनको टाइम ही नहीं दे पा रही, गिला कर रही थी। मेरी अम्मी भी यही कंप्लेन कर रही थी फोन पे। कह रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तो अपनी बीवी के पल्लू से बंध गया। बस ठीक है, तो तुम भी अम्मी के पास चक्कर लगा लो, तो उतनी देर में अम्मी को टाइम देके आती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहां अब्बा होंगे, पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ अम्मी के पास, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, सोऊंगा। ओके, अच्छे से ख्वाब देखना। मेरे ख्वाबों में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। जानती हूँ। बड़ी बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारी है आपने। शौहर की वफात के बाद आपने सिर्फ अपनी बच्ची का सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा। ये जो मोहब्बत की निशानियां होती है ना, उन्हें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, और अगर बेटी हो तो फिर ज्यादा केयर करनी पड़ती है। निकालो उसे बाहर, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो। ये शाहजमान के अब्बू हैं। अरे भाई साहब, आप बैठिए ना, आराम से बात करते हैं, जो भी करनी है। मैं यहाँ सलाह मशवरा करने नहीं आया, दो टोक बात करने आया हूँ।
तो तुम यहाँ ऐश कर रहे हो और वो मुझे घर से बाहर निकालने आ गए हैं, हैं? रहमत, बेटे का ससुराल है, आराम से बात करो। आराम से बात करूं? और वो जो अजाब मेरे सर पे डाला है इसने, मैं आराम से बात करूं? और तुम भी मुझे छोड़कर बेटे के पास आ गई हो, हैं? और वो जो दो बेटियां हैं उन्हें मैं कैसे संभालूं? कर्जा लेने वाले अजीब अजीब नजरों से उन्हें देखते हैं, उन्हें मार मार कर मेरा ये हाल कर दिया, और मैं आराम से बात करूं? हुआ क्या है भाई साहब? मैं कुछ नहीं बताया आपको, जनाब ने बदमाशों से कर्जा लिया था जो सारे का सारा डबो दिया। भाई साहब, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। अब देखिए ना, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही है, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा। कोई खास प्रॉफिट होगा? मैंने मना भी किया था कि शिपमेंट के चक्करों में ना पड़ना, इस काम का पता नहीं होता, मगर मेरी सुनी नहीं। आगे से कहने लगा मैं अपनी बीवी को अपनी कमाई खिलाना चाहता, उल्टा मेरी कमाई भी बर्बाद कर। अब आप भी बताएं मैं क्या करूं? वो लोग मेरे घर पे कब्जा करके आ गए। अब्बा, आपको पता है फिर भी आप। अरे बकवास बंद कर, इस बुढ़ापे में ने मुझे जमीन करवा दिया। तुम भाई साहब, मुसीबत आए तो वालदैन ने ही हल करनी है, और फिर अब वो घर भी तो इसी का ही होगा ना। कल को होगा ना, आज तो नहीं है ना। मैं इसके कल के लिए अपना और अपनी बेटियों का आज बर्बाद कर दूं? जिसके लिए कमाना चाहता था वो देना अब इसका साथ है? मैं तो अभी से अपना मरना जीना खत्म कर रहा हूं इसके साथ। चलो नुज़्ज़त, या तुम्हें भी तलाक दे दूं यहीं पे, हैं? आ रही हूं मैं। चलो। हाँ। अबू, मेरी बात सुनो। अबू, अम्मी। हाथ पकड़ने वाले दे।
मारिया तो है, सुनती ही नहीं है। मारिया मारिया बेटा, कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, किन सोचों में गुम हो? सोचे तो कब की खत्म हो गई अम्मी, बस याद है जो कभी कभार तंग करने आ जाती हूँ। बेटा हमारी तो याद में भी खुशी नहीं, बस पछतावा ही है। अम्मी अब तो मैं आजाद हो गई हूँ, इद्दत के 9 महीने भी कट गए, बेटी से बीवी, बीवी से बेटी, और अब तो माँ भी बन गई। अब तो आप ये भी नहीं कह सकती कि माँ है और औलाद का सोच के दुख होता है। और अब वो दुख इस माँ के नसीब में आ गया। एक सोच ने सर उठा लिया है कि इस बेटी का क्या होगा अब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है रो रही हो तुम। हाँ वो सबको किया था कि तुम। मैं समझ सकती हूँ फरीशा, ये दुख तो अब जिंदगी के साथ साथ ही चल रहा है। अब सॉरी मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो तुम। एक्चुअली मैंने एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ हाँ करो, क्या बात करनी थी? वो मैंने तुम्हारे शोहर को देखा था। हाँ जनाजे पे सब आए हुए थे। सॉरी बस हालात ही ऐसे थे, मैं मुलाकात नहीं करवा सकी। मैं उस दिन की बात नहीं कर रही, मैं तो उस दिन की बात कर रही हूँ जब पहली बार मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा था। अच्छा फिर हम तो पिछले 1-1.5 महीने से कहीं बाहर भी नहीं निकले, तुमने कहाँ देख लिया? जब तुम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले थे। तो अबू की डेथ से पहले की बात है, तुम्हें आज याद आया? इसमें बताने की क्या बात है, बीवी अपने शोहरों के साथ आती जाती रहती है। मैं असल में तुम्हें उसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसी दिन तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई और मैं कुछ भी नहीं बता सकी। रिया क्या क्या बताना था? हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, तुम आ जाओ अभी मेरी तरफ। नहीं मैं नहीं आ सकूंगी वहां। क्यों? बताऊंगी तुम्हें, तुम आ जाओ ना कहीं बाहर। तुम प्लीज फोन पे बता दो। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ वीडियोस भेज रही हूँ। वीडियोस किसकी? पहले देख लेना फिर डिटेल में बात करते हैं। एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ वो अम्मा अपा ने मेरे लिए रिश्ता दिखाया तो तुम शादी कर रहे हो?
खुरिया, तुमने मुझे यहां तक छोड़ने का कहा था, वो मैंने कर दिया। मैं जाऊं। अभी एक काम बाकी है। क्या काम? गाड़ी की चाबी। मगर रिया? मगर क्या? मैंने तो लेकर दी थी ना। तुमने मुझे गिफ्ट दी थी गाड़ी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है, तो दोस्ती के भी तो कुछ असूल होने चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए ना, सब क्लियर होना चाहिए। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। चलो कहीं बाहर चलते हैं। आई नो दुख बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी इसे दुख पर आकर रुक तो नहीं जाएगी ना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जिंदगी में खुशियों को हासिल करने के लिए बहुत से दुख भूलने पड़ते हैं और बहुत सारे रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं। रिश्ते छोड़ने पड़ते? मैं कुछ समझा नहीं, क्यों छोड़ने पड़ते हैं रिश्ते? क्या है? तुमने मुझे गिफ्ट दी थी घड़ी। देखो शाही, जब कोई लड़का किसी लड़की को तलाक देता है ना तो उसका सारा सामान वापस करना पड़ता है। ये रिंग एंगेजमेंट रिंग है क्या? हाँ, वो अम्मा अपन ने मेरे लिए रिश्ता दिखाया। तो तुम शादी कर रहे हो? हाँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मुझे पार्टनर बनाने के लिए तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस मैरिज खत्म करना पड़ेगी। देखो रिया, मैंने तुम्हारी ऑफर पर डिसाइड किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। सॉरी शाही, मुझे सौदे में प्रॉफिट तो नजर आ रहा है लेकिन मोहब्बत का लॉस बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा माना कि दुख बहुत बड़ा, लेकिन दुख के आगे जिंदगी रुक नहीं जाती। कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन जिंदगी में खुशियां हासिल करने के लिए बहुत सारे दुख भुलाने पड़ते हैं। सारी बातें कहने में बहुत अच्छी लगती है और सुनने वाले को लगता है कि कहने वाले को बहुत ख्याल है उसका। मिस्टर शाहजमा, मियां बीबी का रिश्ता अंधे एतबार पर जुड़ा होता है। शोहर के हर झूठ को बीवी सच मान लेती। मुझे याद, शादी की रात तुमने क्या कहा था? कोई बात नहीं करोगी आज की रात से पहले की? कोई बात नहीं करोगी इस रात से पहले की? मेरी जिंदगी में तो कोई बात थी ही नहीं जो तुम जानना चाहते थे, कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी जिंदगी में उस रात से पहले की नहीं, उसके बाद की भी बहुत सारी बात। बस सियासतदानों की तरह ये मत कह देना कि ये वीडियो जाली है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें ये वीडियो किसने भेजी है? उसी ने जो तुम्हारे साथ इस वीडियो में मौजूद है। आज उसकी खैर नहीं, नहीं बचेगी वो आज मुझसे। शाहजमा, आप फिक्र ही ना करें, समझे आपका काम हो गया बच्चन। नहीं उठा रही रिया मेरा, कैसे बताऊं कि शाही उसकी तरफ आ रहा है।
कौन? कौन है? ये क्या किया तुमने? क्या है ये? दिल चाह रहा है कि मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करूं तो मैं अंदर बंद करवा दूं। निशा, मेरा यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया कत्ल? यहां इस कमरे में मेरे सामने तुम कहकर गए थे कि वो नहीं बचेगी आज तुम्हारे हाथ से, नहीं छोड़ोगे तुम उसे, कहकर गए थे ना तुम?
हाँ फरीशा, मैंने कहा था, लेकिन मुझे लगा वो हम दोनों को अलग करना चाहती है, इसी ही उसने तुम्हें ये वीडियोस भेजी। क्यों अलग करवाना चाहती थी वो? कि वो अब भी चाहती है मुझे। गलत कह रहे, मुझे उसकी कही एक बात आज भी याद है। उससे पूछा था कितना चाहती है उसे, उसने कहा चाहती नहीं निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत निभाने का नाम, और वो मुझे चाहता था उतना जितनी उसको जरूरत थी। तब मैंने सोचा था कितना बदबख्त है वो इंसान जो इतनी इतनी चाहने वाली लड़की को धोखा दे रहा। तब मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज मेरी जिंदगी में आकर मुझे ही धोखा दे रहा। अब कौन यकीन करेगा तुम्हारी कहानियों पर? रिशा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं कैसे तुम्हें यकीन दूँ? मैं जब वहां पहुंचा तो वो मर चुकी थी। अच्छा, तो तब तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं की शाहजमान? हाँ, करना चाहिए था, मैं बहुत घबरा गई थी। शाहजमान, तुम्हारे मोबाइल पर आई तस्वीरों से क्या पता चलता है? साफ जाहिर है कि फरीशा, मेरा यकीन करो, यकीन करो, मैंने ये कत्ल नहीं किया। एक काम करता हूं, जिसने ये तस्वीरें खींची उसके पास असल कातिल की भी तो तस्वीरें होंगी। तो जाओ ढूंढो उसे। कैसे ढूंढू? तस्वीरें तो इंटरनेट से आई है, मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ कहाँ से आई है, कहाँ ढूंढूं? असल कातिल कौन है, कहाँ है? मैं आपको बताती हूँ। ओए ओए ओए, आराम से ओए, ध्यान रखो, अगर कोई कड़ीस वगैरह लग गई ना तो मसला बन जाएगा। जी सर। बीवी वकील है इसकी, रिमांड से पहले इसके जिस्म पे कोई निशान नहीं होना चाहिए। जी सर। इसका ध्यान रख। जी सर। हाँ भाई, मुझे प्लीज सुने थे, थोड़ी देर तो सुने थे मुझे। हाँ हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, तो खुद भी सो और हमें भी सुने दे, मगर तू मानता ही नहीं। मैं मान तो गया हूँ। ना 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 ना, दिल ही दिल में मान रहा है, जुबान से नहीं मान रहा, दिल की बात को जुबान पे लेके आ, तभी तो बयान बनेगा ना। चल बता, लाश कहाँ है? तीन दिन से एक ही सवाल कर रहे हैं। तूने भी तो जवाब नहीं बदला। मैंने जब कत्ल किया ही नहीं, जब मैंने कत्ल किया ही नहीं, तो जवाब कैसे बदलेगा? वास करता। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, इसलिए मेरा सवाल नहीं बदलेगा। चल बता, लाश कहाँ है? सही तरह बता, जल्दी से सोच के बता, लाश कहाँ दफनाई है?
पूछो इसे। इसे यकीन करें मुझे नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। मैंने कत्ल नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने कत्ल नहीं किया, खुदा की कसम मैंने कत्ल नहीं किया। जी फरमाइए। वो मुझे शाह जमान से मिलना था। आप कौन? मैं ये बेटी है उसकी। अच्छा अच्छा, ये बेटी है उसकी, मतलब आप उसकी बीवी हैं? नहीं, मैं माँ हूँ इसकी। ये बेटी है उसकी, आप माँ हैं इसकी, मतलब मैं गुंजल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओए चीनी दे, ओए शुगर चल रही हूँ। इस बच्ची से क्या रिश्ता है ये तो समझ आ गई है, आपका क्या रिश्ता है उससे इस सवाल ने उलझा दिया। मेरा जो रिश्ता था उसके साथ वो खत्म हो चुका है। अच्छा 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 अच्छा, यही तो मैं सोच रहा था कि अब उसकी बीवी कोई और है। वो उसके रिश्ते हैं, उसी को मुबारक। मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो बस बेटी को बाप से मिलवाने लगी थी, मिलवा दें प्लीज, रोज रोज नहीं आ सकती। ओए ओए, क्या नाम है तेरा? अकरम। जी सर। इधर आ। ओए उठाओ उसको अंदर, मिलवा इनको, मुलाकात आई है, जाएं आप मिलने। शुक्रिया। दुनिया एक धोखा है या धोखे में दुनिया है, कुछ समझ नहीं आती। उठे, होश कर, तेरी मुलाकात आई है। तुम्हारे जाने के बाद ही पता चला। फोन किया था तुम्हें बताने के लिए, पर तुमने फोन बंद करने में बहुत जल्दी कर दी, या शायद नंबर ही बदल लिया था हमारे रिश्ते की तरह। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मारी। मुझे माफ कर दो मारिया, हो सके तो, हो सके तो मुझे माफ कर। मैं यहां सिर्फ इस बच्ची को इसका बाप दिखाने लाई थी, ना कोई सफाई लेने ना ही देने आई।
नाम क्या रखा है इसका? अंसा। अंसा। अंसा शाहजमान। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। जी कहिए। इसकी बीवी को मत बताइएगा कि इसकी कोई पुरानी बीवी आई थी इसकी बेटी को लेके। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसका घर उजड़ जाए। ठीक है। ये देखो। ये कहां से मिली तुम्हें? इसमें से। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। मैं ऐसा करती हूँ कि फाइल की अच्छी तरह स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन केस से पहले एक बार आपकी बेटी से मिलना होगा मुझे। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवा सकती हूँ। मैं जरूर चलती। दरअसल 2 दिन बाद मेरी शादी है तो उसकी तैयारियों में बिजी हूँ। अच्छा तुम परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। हो सकता है वो फोन उनके पास ना हो। अभी भी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा। ये सब कैसे हो गया? उसे इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? ये कब मिला था तुम्हें? शादी से 2 दिन पहले। अल्लाह ताला ने तो मुझे रास्ता दिखाया था। उसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? गूगल मैप्स पे ये एड्रेस निकालो और लोकेशन निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं अभी जाती हूँ यहाँ पर। तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। नहीं, इसी से खाला आ गई तो तुम प्लीज जल्दी से निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं आती हूँ।
आंटी मारिया हाँ पहुंच गई हूँ लेकिन अभी मुलाकात नहीं हुई। हाँ वो कोई बता रहा था कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। स्नेहा मेरे ख्याल से कोई आ रहा है, मैं करती हूँ तुमसे बात। ओके बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीशा, एडवोकेट फरीशा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मुझे आने में देर हो गई, वो आपकी अम्मी ने मुझे। आप आइए अंदर आइए। आखिरी तस्वीर मेरे पास था। पुरानी है ये। अब नहीं होगी। ये मेरी तस्वीर। मैं तो कहती थी अम्मी को ये केस लड़ने कोई नहीं आएगा, ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ऊपर से तकदीर का करना देखो, केस भी उसी को दिया जो। आप प्लीज मुझे गलत मत समझो, इन्हें मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे लेकिन मैं पढ़ ही ना सकी।
सी गलती की मुझे सजा मिली। खुदा ने तो मुझे वक्त से पहले रास्ता दिखाया था, लेकिन मुझसे लापरवाही। अगर मैंने ये लापरवाही ना की होती तो आज मेरे घर में भी खुशियां होती, मेरी अब्बू जिंदा होती। तलाक के फौरन बाद जो मुझे उल्टी आई थी उसमें मेरी अम्मी खुश हो गई कि शुक्र है मेरी बेटी मां बनने वाली है, उसे तलाक नहीं हुई। इस खुशी में वो आपसे मिली थी और आपने भी तसल्ली दे दी, और वो निकाहनामा, दरख्वास्त और तस्वीरें भी आपको देंगी। जब आपसे मिलके आई थी तो खुश थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी मान पड़ती गई, क्योंकि आपका दिया हुआ कार्ड और नंबर मैंने डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी तलाक तो हो चुकी है, बस इद्दत के दिन बढ़ गए। कितना भयानक खेल खेला है ना उसने, बिल्कुल भी अब वो माफी के काबिल नहीं। कहाँ थी तू? अबे, अब्बा जी आए थे, बड़े खुश थे, कह रहे थे मेरी बहू तुम्हें रिहा करवाएगी आज यहां से। मैंने भी कहा उनसे, मुझे मिलने आई थी, हम छुड़ाने की बात भी की थी। सुनिश, तीन बार मैंने अपना नंबर आगे बढ़वाया, शायद फरीश आ जाए मेरी, लेकिन तुम नहीं आई। और फिर मेरा आखिर बारी आ गई, पुलिस वालों को एक बार फिर रिमांड मिल गया, फिर से मारना शुरू कर दिया। लगता है तुम्हारी नफरत को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया, इसलिए अब मुझे ही लगता है इस लाश को ढूंढते ढूंढते ये लोग मुझे लाश बना देंगे। ये तुम्हारा कहा पूरा हो जाएगा, तुम मेरी बेवा बनकर जिंदगी गुजारोगे, बीवी बनकर। किस लाश की बात कर रहे हो तुम? वो लाश जो फांसी के फंदे पे लटक गई तुम्हारी मोहब्बत में, या जिसने अपनी दुनिया लुटा दी तुम्हारे प्यार में, या वो लाश जिसके लिए सारी दुनिया ही तुम थे, या वो वाली जिसके अब्बू तुम लोगों के दिए हुए दुखों से कब्र में उतर के, कौन सी लाश की बात कर रहे हो? ये सब लाशें ही थी ना, और आज एक और जिंदगी बेजान लाश बन गई। मर गई उसकी माँ जिसे तुम दुखों के सारे छोड़ आए थे। किसकी बात कर रही हो तुम? वो भी जो तुम्हारी बच्ची की माँ है।
आर्य मर गई वो अपनी माँ के दुख में जिंदा लाश बनकर बैठी है। वो अपनी माँ के लिए रो रही है और उसकी बेटी अपनी माँ के लिए। और तुम्हें कितनी लाशें चाहिए? कितनी लाशें चाहिए? फ्रिशा, फ्रिशा, छोड़ो मुझे। ओए संगीत, ओए शराब इधर आ, लेके जाओ फ्रिशा, लेके जाओ फ्रिशा, फ्रिशा मुझे बचा लो, फ्रिशा मुझे बचा लो, फ्रिशा, फ्रिशा का बचा। तुम कभी भी माफी के लायक नहीं थे। तुम मरोगे जितना तुम्हारी वजह से सब मरे हैं, और मैं तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखोगे तुम। और तुम्हारे खानदान वाले, उनका वो हशर होगा कि लोग हकारे से थू थू करेंगे उन पर। हर दिन कयामत का दिन होगा तुम सबके लिए। हाँ हाँ, अच्छा दैट्स गुड, तुम्हें इतनी अच्छी लगी। अच्छा अपना बहुत ख्याल रखना है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम। शुक्र है तुम आ गई। अभी सुहेल के साथ तुम्हारी बात कर रही थी, वो भी कह रहा था कि तुम बिल्कुल खाला जैसी। भी जितनी उसके दिल में लोगों की हमदर्दी थी, उतनी तुम्हारे दिल में भी है। वो भी दुनिया जहान के दुखों को अपना ही दुख समझती थी, जैसे तुम समझ रही थी। आजो खाला, मेरी दोस्त। वालेकुम सलाम। रिहा, रिहा मारिया को ऊपर कमरे में ले जाओ। जाओ। ये कौन है? मेरी दोस्त है मारिया, समझ गए मैं ही हूँ। और ये बच्ची, ये वो ही ना मुझे परसों रात को, जी बहुत तंग किया था इसने। हाँ लेकिन अब उसकी माँ साथ आ गई है ना, तो अब तंग नहीं करेगी। वैसे भी अब तो उसकी दो दो माँ हैं। दो दो माए? What you mean? मैं भी तो उसकी माँ ही लगी ना। तुम भी उसकी माँ? मैं बिल्कुल नहीं समझी। आई गेस रिहा ने आपको सब कुछ नहीं बताया। ये शाहजमान की एक्स वाइफ। ठीक है, चले माँ चले। कहाँ जाना? तुम्हारी बहू के घर। मेरी बात हुई है, आ रही है वो। आ नहीं रही, बड़ी मुसीबत बन के आ रही है। मेरा स्यापा, कौन सी मुसीबत पर आजी? आसम का फोन आया था, बता रहा था कि फरीशा ने खालिद भाई को फोन करके पूछा है कि ये आसम जैसा बंदा कौन है। क्यों? उसका क्यों पूछा उसने? इसलिए कि वो मारिया से मिली है। मारिया? वो कैसे मिल गई उसे? कहते हैं कि अगर खबरें दो तरह की हों, पहले खुशी की खबर देनी चाहिए। मेरे शाही को रिहा करवा लिया तुमने? सोचकर तो यही गई थी कि आपके बेटे को रिहा करवा कर लाऊंगी, लेकिन किस्मत का क्या करना था? जब उसे रिहा करवाने के लिए सबूत लेने थाने से बाहर गए, किसी की बददुआ ने आपके बेटे की आजादी को छीन ली। अब उसके नसीब में आजादी नहीं है। ऐसा ना कहो फरीशा, तुम जानती हो ना शाही मेरा इकलौता बेटा है। वो भी इकलौती बेटी थी अपनी माँ की, जिसने मोहब्बत की थी आपके बेटे से। आप लोगों ने उसकी हस्ती बस्ती दुनिया को जहन्नुम बना दी।
और उसकी माँ अपनी बेटी के दुखों से लड़ते लड़ते दुनिया से चली गई। दिन लगे मुझे उसे संभालने, मगर गम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या गलती की थी उसने, कोई जवाब नहीं ना आप लोगों के पास, लेकिन जवाब तुम सबको देना पड़े और उसके साथ किए हुए जुल्मों का हिसाब भी देना पड़ेगा। मैं इंसाफ दिलवाऊंगी उसे, उसकी बेटी को उसका हक भी दिलवाऊंगी जो आपकी पोती है। कौन सी पोती, जब उसे तलाक दी थी ना तो कोई बच्चा नहीं होने वाला था उसे। झूठ बोल रही है वो, किसी और का गुनाह मेरे बेटे के साथ लगा रही है। ऐसा इल्जाम आपकी चहेती बेटी ने मेरे पे भी लगाया, उसका भी जवाब दूंगी मैं अदालत, और तुम सबको जेल पहुंचा कर होंगी। याद रखो, बीवी गायब हो गई है तुम्हारी। वो भी मुझ पे डाल रहा है, मुझे लगता है कि वो खुद कहीं गायब हुई है। करैक्टर कैसा था उसका, सोचकर शर्मिंदगी होती है। इस शर्मिंदगी को बयान में लिखवा दो, केस का रुख बदल जाएगा। आप समझे नहीं, शर्मिंदगी उसे देखकर नहीं होती, अपने आप को देखकर होती। मैं इस काबिल ही नहीं था कि इतनी शरीफ पाक दामन लड़की मेरी बीवी होती। ये किरदार कशी पहली की कर रहे हो या दूसरी की? पता है शकील साहब, जिसे नजर उठाकर देखा उसके दिल में बस गया। जो मुझे अपने दिल में बसाती मैं उसे अपने दिल से निकाल देता। ये दिन बसने और उजड़ने की कहानी साथ साथ ही चल रही थी कि पता ही नहीं चला कि कब वो मेरे दिल में घर कर गया। दो दिन से कोशिश कर रहा था कि वो निकल जाए, लेकिन नहीं, अब वो मेरे दिल में आकर अपने दिल से निकाल चुकी है। इसलिए ये जिंदगी ये दुनिया कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ये जिंदगी एक खेल तमाशा है और ये दुनिया खेल रही है इसे। झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई तस्दीक नहीं करता। सच समझ के मान लेते हैं उसे। मैंने जिंदगी के हर कदम पर झूठ बोला, हर कदम पर, और हर किसी ने यकीन किया मुझ पर। पिछले 9 दिनों से सच बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। इसलिए मैंने सोचा कि एक आखिरी झूठ बोल ही लेता। उस लड़की का कत्ल मैंने किया और फिर उसकी लाश को जला के नाले में बहा दिया।
ये ऐसा बयान लिखवाऊं तो चल जाएगा ना काम? चलान तो मुकम्मल हो जाएगा, तेरे दिल की तसल्ली नहीं होनी। शकील साहब, आप कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करें। ये दिल का क्या है, तसल्ली के बगैर भी धड़कता जाएगा। चल इधर, मुझे लगा Mm-hmm.